आप देख रहे हैं मंदाकिनी टाइम्स, खबरों के लिए बने रहें। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली की जनपद इकाई बांदा के तत्वाधान में स्थानीय किसानों के उत्पीड़न के मामले में संज्ञान लेते हुए किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी जिलाधिकारी बांदा को दी गई, साथ ही ज्ञापन प्रेषित किया गया। जनपद बांदा से नथु पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल कुमार अवस्थी है और मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली के जनपद इकाई बांदा का जिला प्रमुख कृषक संरक्षक पद पर हूँ। आपके द्वारा किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया? मेरे द्वारा किसानों को लेकर जो बांदा जिले के जो है कृषक हैं जो सब्जी उत्पादन करते हैं, उनकी समस्या ये है कि रात दिन मेहनत करके वो बेचारे जो है सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब वो मंडी लेकर जाते हैं तो उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। समस्या ये है कि जब मंडी लेके जाते हैं वहाँ पर बिचौलियों द्वारा उनको जो है शोषण किया जाता है, तो उसमें समस्या ये आती है कि अगर वो उत्पादन लेकर वहाँ जाते हैं तो उसमें 10% उनको जो है कमीशन उनको देना पड़ता है बिचौलियों को, और उसमें अगर एक क्विंटल जो है उत्पादन लेते हैं तो उसमें 5 किलो काट लिया जाता है। समस्या ये है कि रात दिन वो मेहनत कर रहा है और बिचौलिया एक घंटे में वो दुगना रेट कमा रहा है, तो इतना किसानों को शोषण क्यों किया जा रहा है? इसी संबंध में आज ज्ञापन देने आई हुई। आज किस प्रकार का ज्ञापन? मैं अनिल सिंह गौतम, जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन में। हमारे संज्ञान में एक मामला आया किसानों के उत्पीड़न को लेकर के। हमारे कृषक संरक्षण राहुल अवस्थी जी ने किसानों का एक मुद्दा उठाया। मामला था किसानों के उत्पीड़न का। किसान हमारे जनपद मुख्यालय के आसपास तमाम ऐसे किसान हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जब ये सब्जियां लेकर के संबंधित मंडी में जाते हैं वहां पर इनके साथ बड़ा छेड़छाड़ होता है। प्रति एक क्विंटल पर 5 किलो की कटौती और 10% का कमीशन इन किसानों के द्वारा जबरदस्ती वसूला जाता है। आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी बांदा को एक ज्ञापन दिया है जिसमें इस बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करने की आग्रह की गई है, जिससे इन किसानों को इनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की भी मंशा है। हम सभी यहां पर आज ये ज्ञापन देने आए थे और जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रकरण को संज्ञान लेकर के हमको आश्वासन दिया है कि जल्द ही बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ। मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।